लिया, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, शेरनी की तरह लड़ूंगी, दबंगयाई से लड़ूंगी। दिव्या मदेरणा, ये वो नाम है जो राजस्थान में जब गूंजता है तो लोगों की आवाज में जोश भर जाता है। राजस्थान के दिग्गज जाट परिवार से ताल्लुक रखने वाली दिव्या एक बेहतरीन वक्ता होने के तौर पर भी जानी जाती हैं। जब वो बोलती है तो उनकी बेबाकी जनता के दिल में घर कर जाती है, और यही वजह है कि दिव्या मदेरणा सोशल मीडिया पर खासी पॉपुलर भी है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है राजस्थान में, और ओसिया से एक बार फिर दिव्या मदेरणा दावेदारी पेश करने जा रही हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन है ये राजस्थान की तेज तर्रार और खुद को शेरनी बताने वाली नेत्री। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिव्या मदेरणा सचिन पायलट के साथ राजस्थान में काफी एक्टिव रही। वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में उनके साथ नजर आई थी। दिव्या मदेरणा राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट की काफी करीबी मानी जाती हैं, और यही वजह थी कि वो राजस्थान पेपर लीक मुद्दे पर काफी मुखर रहीं। सचिन पायलट ने जितने जोरों से ये मुद्दा उठाया था उतनी बेबाकी से दिव्या उनका साथ देती रहीं। पायलट गहलोत तकरार के वक्त वो अशोक गहलोत सरकार के करीबी विधायकों पर निशाना साधती देखी गई। इतना ही नहीं, उनकी वक्ता शैली की तो जनता कायल है। माना जाता है कि ये गुण उन्हें खानदानी तौर पर मिले हैं। उनके दादा परसराम मदेरणा, जो 1998 के वक्त विधायक और केंद्रीय मंत्री थे, परसराम मदेरणा का कांग्रेस की भारी जीत में बड़ा योगदान था। उस वक्त उनके मुख्यमंत्री बनने के भी आसार थे, लेकिन वो फिर मुख्यमंत्री ना बन सके। दिल्ली से मैसेज आया तो अशोक गहलोत ने राजस्थान की कमान संभाली। कभी दिग्गज कांग्रेसी परसराम मदेरणा और उनके बेटे महिपाल मदेरणा का प्रदेश की राजनीति में राज हुआ करता था। आज उनकी बेटी के नाम का प्रदेश में खासा बोलबाला है। उनके पिता महिपाल मदेरणा भी अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राजनीति में दिव्या की मां ने भी हाथ आजमाया, लेकिन 2013 में वो ओसिया से हार गई। फिर बिटिया ने 2018 में कमर कसी उसी सीट से जबरदस्त जीत हासिल की, और यहाँ से दिव्या के असल राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, जब वो 2018 में पहली बार विधायक बनी। 38 साल की दिव्या मदेरणा की कहानी काफी रोचक है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पुणे यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक सब्जेक्ट से पूरी की। दिव्या ने पढ़ने लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चली गई, जहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। विषयों का खासा ज्ञान हासिल करके वो अपने घर लौटी, और फिर 2010 में उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली। उन्होंने जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। दिव्या की सबसे बड़ी ताकत उनकी वक्ता शैली मानी जाती है। वो सीधे अपने काम को लेकर विपक्ष को चैलेंज कर देती है कि कोई कहकर तो दिखाए कि दिव्या ने काम नहीं किया। कि मैंने विपक्ष को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि दिव्या मदेरणा ने काम कराया। नकार नहीं सकते कि मैंने काम नहीं कराया, क्योंकि मैंने असीम काम कराया है, इतना काम कराया है कि अगर वो ये कह दे कि दिव्या मदेरणा ने काम नहीं कराया तो बिल्कुल सफा झूठे बचते हैं। 2013 में मां की हार के बाद दिव्या खासी सक्रिय हो गई। वो समझ गई थी कि अब उन्हें ही परिवार का खोया हुआ गौरव वापस लाना है। एक वक्त था जब राजस्थान में मदेरणा दिग्गज जाट परिवार और मिर्धा परिवार का बोलबाला था। इन दोनों परिवारों ने ऐतिहासिक तौर से कांग्रेस को राज्य में अपने जाट वोट को मजबूत करने में मदद की थी। हालांकि साल 1999 जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ओबीसी श्रेणी के तहत जाटों के लिए आरक्षण की घोषणा की, इसके बाद से ये समुदाय धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हो गया। लेकिन 2018 में मां की हार का बदला लेकर लौटी दिव्या मदेरणा ने कांग्रेस को एक बार फिर से इस समुदाय के करीब जाने में मदद की। अब एक बार फिर दिव्या तैयार हैं ओसिया सीट से 2023 का चुनाव लड़ने के लिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।